कालेधन पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चला रही मोदी सरकार की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। कालेधन वालों का खुलासा करने के लिए भारत सरकार स्विट्जरलैंड से सूची देने की मांग कर रही है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने सूची देने के लिए भारत सरकार के सामने शर्तें रखती हैं। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर सरकार गोपनीयता की शर्त को भंग करती है तो कालेधन वालों की लिस्ट देने के बारे में और विचार किया जा सकता है। तय समझौते के मुताबिक स्विट्जरलैंड के कर अधिकारी 2018 में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। विभाग ने कहा कि स्विट्जरलैंड उन सभी देशों के साथ कर संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने को तैयार है जो संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि एक समझौते के तहत स्विट्जरलैंड अपने यहाँ के बैंकों में जमा काले धन की सूची अन्य देशों को अगले साल से देने की स्वचालित व्यवस्था के लिए तैयार है। इस समझौते में भारत और अन्य देश शामिल है। स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों के विभाग SIF ने एक बयान में कहा है कि घरेलू वित्तीय संस्थाएं पहली बार इस साल आंकड़े एकत्रित कर रही हैं। तो स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार के सामने गोपनीयता की शर्त रख दी है, अगर भारत इन शर्तों को नहीं मानता तो काले धन पर भारत की कोशिशों को धक्का लग सकता है। देखते रहिए DB Live।